नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको सुना रही हूँ श्रीमद् भागवत पुराण शुक सागर। तो ज़रूर सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे राधे हर हर महादेव की जय हो। और आज का अध्याय है हमारा गौ रूपी पृथ्वी व वृषभ रूपी धर्म को कलयुगी राजा द्वारा ताड़ना देना तथा राजा परीक्षित का कलयुग को स्थान देना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, हरि बोल हरि बोल। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, जिस समय का यह प्रसंग है उस समय रथ पर सवार वह शूद्र भी जो राजा के समान वेश बनाए हुए था, राजा के समान कपड़े पहने हुए था और अपने साथ बहुत सी सेना लिए हुए था, उस गाय तथा वृषभ के पास आकर रथ से उतर पड़ा। तदुपरांत वह गाय और वृषभ को अपने पांव की ठोकर मारकर डांटने लगा। बोलो श्री हरि श्री हरि। उसके भयंकर स्वरूप को देखकर वे दोनों बहुत डरे और उस समय गाय डगरा कर रुदन करने लगी तथा वृषभ ने डरकर मल मूत्र कर दिया। उस अत्याचार को राजा परीक्षित से नहीं देखा गया। तब वे अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए उनके आगे आ गए और क्रोधित होकर उस राज भेषधारी शूद्र राजा से बोले, अरे नीच, मैं सातों द्वीपों का राजा हूँ, बता तू किस देश का राजा है। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा। तू किस देश का राजा है जो हमारे राज्य में रहकर हमारी प्रजा को कष्ट दे रहा है? राजाओं का यह धर्म नहीं है कि वे अपनी प्रजा को कष्ट पहुंचाए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गौलोक धाम को सिधार गए हैं एवं मेरे पिता मह गांडीवधारी अर्जुन भी वैकुंठ लोक को पधार गए हैं। अस्तु, ऐसा जानकर ही तो इस पृथ्वी गाय एवं धर्म रूपी वृषभ को दुख दे रहा है। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्ण। इस प्रकार अत्याचार करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझको अभी मारे देता हूँ। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर वह शूद्र राजा डर कर एक ओर खड़ा हो गया और राजा ने कहा, वृषभ तुम कौन हो? तुम्हारे यह तीनों पांव किसने तोड़े हैं? तुम कोई देवता तो नहीं हो जो मुझे चक्कर में डालने के लिए यहाँ आए हो? बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा। मैंने अपने राज्य में तुम्हारे बराबर दुखी किसी को नहीं देखा है, परंतु अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख का शीघ्र नाश कर दूँगा। वृषभ को इस प्रकार समझा कर परीक्षित गाय से बोले, हे गौ माता, तुम रो मत, मैं अत्याचारी एवं पापियों को अवश्य दंड दूंगा, क्योंकि जिस प्रकार के राज्य में प्रजा दुखी क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, आयु क्षीण हो जाती है, ज्ञान जाता रहता है और परलोक बिगड़ जाता है। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उसकी कीर्ति भी खत्म हो जाती है, आयु क्षीण हो जाती है, ज्ञान भी चला जाता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। जिस राजा के राज्य में कोई लोग दुखी रहते हैं, प्रजा दुखी रहती है, इसलिए राजाओं को चाहिए कि वे अपने राज्य में दुखियों का दुख दूर करें। जो राजा इस धर्म को धारण करता है उसे फिर किसी तरह का जप तप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा। उसे फिर किसी तरह का जप तप नहीं करना पड़ता। यह विचार कर अब मैं संसारी जीवों को दुख देने वाले इस शूद्र राजा को मार डालूँगा। पृथ्वी से इतनी बात कहकर राजा परीक्षित ने बैल से फिर पूछा, तुम्हारे पांव किसने तोड़े हैं? मैं उसके हाथ कटवा दूंगा। मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज का दास हूँ, यदि तुम्हारा दुख दूर नहीं करूँगा तो मेरे वंश को दोष लगेगा। यदि कोई देवता भी मेरे राज्य में आकर किसी को दुख पहुँचाना चाहे तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। फिर किसी आदमी की क्या सामर्थ्य है जो मेरी प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख पहुंचा सके? बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर वृषभ रूपी धर्म ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, हे राजन,
सिर झुकाते हुए कहा, हे राजन, महाराज पांडु के वंश में ऐसे ही धर्मात्मा राजा होते हैं। उनके राज्य में किसी ने कोई दुख नहीं पाया है। आपके पिता में अर्जुन ऐसे धर्मात्मा एक हरि भक्त थे कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं उनके रथ का संचालन किया था। अतः आपको भी यह उचित है कि आप दीन दुखियों का सदैव ध्यान रखें। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं स्वयं यह नहीं जानता हूँ कि मुझे किसने कष्ट पहुँचाया है। ऐसी परिस्थिति में मैं किसका नाम बताऊँ? यह समझ लो कि मैं अपने भाग्य का फल भोग रहा हूँ। संसार में यह बात पूर्ण रूप से प्रकट है कि समस्त जीव अपने अपने पापों के कारण दुख पाते हैं। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि दुख अपने मन के संकल्प विकल्पों के कारण होता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं, वृषभ रूपी बैल परिचित जिसे कह रहा है, कुछ लोगों का कथन यह भी है कि दुख अपने मन के संकल्प विकल्पों के कारण ही होता है। इसके अंतरिक्त कुछ लोगों का कहना है कि मनुष्य सुख दुख भगवान की इच्छा से ही पाता है। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा। परंतु इस विषय पर यह सोचना चाहिए कि जो ईश्वर अपनी इच्छा से समस्त प्राणियों को जन्म देता है, वे किसी को क्यों दुख देंगे? इसलिए इस बात में ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि पाप भी मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं कर सकता क्योंकि सब कार्य मनुष्य की इच्छा शक्ति से नहीं होते हैं। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राजा परिषद ने वृषभ रूपी धर्म के ऐसे वचनों से अपने हृदय को पवित्र करके भगवान नंद नंदन के चरणारविंदों का स्मरण किया। उस समय उन्हें यह आभास हो गया कि वृषभ के रूप में ये धर्म, गौ के रूप में पृथ्वी तथा शूद्र राजा के रूप में कलयुग यहाँ आया है और इसी कलयुग ने धर्म के तीनों पांव तोड़े हैं। ये पृथ्वी को नष्ट कर दिया है इस पृथ्वी के स्वामी श्री कृष्णचंद्र जी परलोक पधार गए हैं। उन्हीं के वियोग से पृथ्वी दुखी हो रही है। पापी का नाम लेने से पाप होता है और धर्मात्मा का नाम लेने से पुण्य होता है। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यही सोचकर वृषभ रूपी धर्म ने अपने शत्रु कलयुग रूपी पापी का नाम नहीं बताया था वृषभ ने। राजा परिचित को यह भी ज्ञान हो गया कि पहले धर्म के चार चरण तप सत्य, दया और क्षमा स्तर थे। परंतु कलयुग में पाप अधिक बढ़ जाने से उसके तप, दया एवं क्षमा रूपी तीन चरण टूट गए हैं। अब धर्म का जो सत्य रूपी एक चरण शेष रहा है, उसे भी यह कलयुग अब तोड़ देना चाहता है। इस बात का ज्ञान होते ही राजा परिषद बहुत क्रोधित होते हुए एक तलवार उठाकर कलयुग को मारने के लिए उठ खड़े हुए। तब कलयुग ने देखा कि यह धर्मात्मा राजा क्रोधावेश मेरे प्राण लेना चाहता है और मुझे इससे लड़ने की शक्ति नहीं है। तब वह अपने प्राणों को बचाने के लिए राजा परिषद के चरणों में जा पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। राजा ने जब उसे शरण में आया हुआ जाना, तब वे दया एवं धर्म का विचार का द्रवीभूत हो गए। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा। और उन्होंने अपनी तलवार को झुका लिया। राजा परिचित कलयुग से कहने लगे, हे कलयुग, जहाँ तक मेरे पितामह महाराजा विदुषर एवं महामना अर्जुन का राज्य था, वहाँ तक मुझे प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि तू अधर्मी एवं पापी लोगों का साथी है। अतः तू जिस देश में रहेगा, उस देश के राजा का मन धर्म से हट जाएगा। तू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, कलह एवं कपट से पूर्ण है।
अतः भारत खंड में जहाँ तक मेरा राज्य है वहाँ तक तू प्रवेश नहीं करना, जिससे मेरे राज्य के सब लोग निरंतर धर्म कर्म करते रहें। इस भारत खंड में जप तप एवं ईश्वर का पूजन करने से मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों को भोगने के बाद मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। यदि ऐसे स्थान पर तो अपना निवास करके उपद्रव मचाएगा तो यहाँ के लोग भी अधर्मी एवं पापी हो जाएंगे। बोलो श्री हरि, इसलिए तो मेरे आदेशानुसार कार्य कर, नहीं तो तेरे प्राण बचना कठिन हो जाएंगे। महाराज परीक्षित के इस आदेश को सुनकर कलयुग ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे राजन, आप बड़े धर्मावतार और न्यायकारी हैं, इसलिए आप मेरी विनय पर भी कुछ ध्यान दीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इन चार युगों का निर्माण कर प्रत्येक युग की अवधि निश्चित कर दी है। इसमें सतयुग, त्रेता और द्वापर तो अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं, अब मैं कलयुग ही शेष बचा हूँ। मेरा शासनकाल अब प्रारंभ हो गया है और आप मुझे यह आज्ञा दे रहे हैं कि आपके राज्य में मैं निवास न कर सकूँ। आपका राज्य तो सातों दीपों में फैला हुआ है, अतः अब आप ही बताइए कि मैं कहाँ निवास करूँ। बोलो श्री हरि, इसके साथ ही आप यह भी ध्यान रखें कि ब्रह्मा जी ने चारों युगों की जो अवधि निश्चित कर दी है उसमें किसी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि आपने मेरे अवगुणों को तो देखा है परंतु मेरे गुणों को अभी तक नहीं जान पाए हैं। बोलो श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे गुणों को नहीं जान पाए हो और अवगुणों को आपने देखा है। मुझ में यह एक बहुत बड़ा गुण है कि सतयुग में यदि किसी राज्य में कोई एक मनुष्य भी पाप करता था तो उसका दंड राज्य के समस्त लोगों को भोगना पड़ता था। तीर्था में एक मनुष्य के अत्याचार करने पर उसका फल नगर के सब लोगों को मिलता था। इस प्रकार द्वापर में एक मनुष्य के अधर्म करने से समस्त कुटुंब के लोगों को उसके पाप का दंड भोगना पड़ता था, परंतु मेरे राज्यकाल कलयुग में जो मनुष्य पाप करता है मैं केवल उसी को पकड़कर उसके पाप करने वाले अंग को ही दंड देता हूँ। बोलो श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं उसके उसी अंग को दंड देता हूँ। जब अन्य लोगों में मानसिक पाप करने पर भी मनुष्य को अनेक विधानानुसार उसका दंड भोगना पड़ता है, परंतु मेरे युग में मानसिक पाप न होकर उसके मानसिक पुण्यों का फल प्राप्त होता है। कलयुग के ऐसे दीन वचन सुनकर भी जब राजा परीक्षित को उस पर दया नहीं आई तब कलयुग पुनः कहने लगा, हे महाराज, मुझ में इसके अतिरिक्त एक गुण यह भी है कि सतयुग में मनुष्य को 10,000 वर्षों तक तप करना पड़ता था, तब कहीं उसकी मनोकामना पूरी होती थी। त्रेता में मनुष्य 1,000 वर्ष तक यज्ञ करते थे, तब उनका उद्धार होता था। इसी तरह द्वापर में भी सैकड़ों वर्षों तक भगवान का जप एवं पूजन करने पर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता था, परंतु मेरे राज्यकाल में यदि कोई मनुष्य पवित्र हृदय से प्रेम पूर्वक एक क्षण भी भगवान के स्मरण कर लेता है और उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर उस समय अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। बोलो श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हर हर महादेव की जय हो। अध्याय तो बहुत बड़ा है पर पूरा ही सुना देती हूँ। कलयुग के इस गुण को सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रश्न हुए। उसी समय कलयुग ने पुनः इस तरह प्रार्थना की, हे राज शिरोमणि, अब आप कृपा करके मुझे जीवन दान दीजिए और कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ जाकर मैं निवास कर सकूँ। बोलो श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हर हर महादेव, मैं इस समय आपके डर से भयभीत हो रहा हूँ, इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे उसे मैं अवश्य शिरोधार्य करूँगा।
जब कलयुग ने इस तरह अनेक प्रकार से विनती की तब राजा ने दुखी जानकर अपने मन में सोचा कि शरणागत को मारना उचित नहीं है। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान बताता हूँ, जिस जगह लोग जुआ खेलते हों, जहाँ मंदिरा बिकती हो, जिस स्थान पर वैश्य रहती हो और जहाँ पर जीव हिंसा होती है, उस स्थान पर जाकर तुम निवास करो। राजा परीक्षित का यह आदेश सुनकर कलयुग ने पुनः विनम्रतापूर्वक कहा, हे राजन, इन चार स्थानों में मेरा पूरा परिवार कैसे रह सकेगा? बोलो श्री हरि राधे राधे, अतः आप मुझे कुछ स्थान और दीजिए। राजा परीक्षित बोले, जिस लोभी मनुष्य के पास मुद्रा एवं सोना हो किंतु वह उसे दान तथा धर्म कर्मों में न लगाता हो, वहाँ जाकर भी तुम राजा परीक्षित बोले जिस लोभी मनुष्य के पास मुद्रा एवं सोना हो किंतु वह उसे दान धर्म कर्मों में न लगाता हो, वहाँ जाकर भी तुम निवास कर सकते हो। इन पांच स्थानों के अलावा यदि किसी अन्य स्थान पर जाकर तुम निवास करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। बोलो श्री हरि श्री जय श्री कृष्णा। तब कलयुग ने राजा परीक्षित को धर्मात्म शक्तिशाली देखकर सोचा अभी तो राजा का यह आदेश मान लेना चाहिए। इसके बाद मैं राजा का चित्त जब किसी समय धर्म से हटेगा तब मैं मौका पाकर अपना काम कर डालूँगा। यह सोचकर कलयुग बहुत अच्छा महाराज जी कहकर राजा से विदा होकर ऊपर बताए हुए स्थानों में निवास करने को चला गया। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा राधे राधे। इतना वितान सुनकर सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जो प्राणी अपना भला चाहता हो उसे इन पांचों स्थानों से हमेशा अलग रहना चाहिए, क्योंकि वह प्रजा का स्वामी है। अस्तु कलयुग के जाने के बाद राजा परीक्षित ने उस बैल के तीनों टूटे हुए पांवों को ठीक कर दिया। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा राधे राधे। और गाय को भी धीरज बंधा दिया। तब वृषक रूपी धर्म एवं गौ रूपणी पृथ्वी भी अपने अपने स्थानों को लौट गए। राजा परीक्षित भी वहाँ से चलकर अपने घर आए और ब्राह्मणों एवं ऋषि मुनियों को वह सब वृत्तांत सुनाया। उन सब लोगों ने राजा परीक्षित को इस बात पर प्रश्न होकर कहा, हे राजन, आपने यह बहुत ही उत्तम कार्य किया है, इससे आपके राज्य में कलयुग का आना असंभव है। तत्पश्चात राजा परीक्षित ने राज्य भर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक मनुष्य जीव हिंसा मंदिरा पान वैश्य गमन तथा जुए से दूर रहे। इसके अंतर सभी लोग अपनी संपत्ति में से कुछ धन दान किया करें। जो व्यक्ति देवता साधु गौ ब्राह्मण वेद एवं शास्त्रों को नहीं मानेगा अथवा ऊपर बताए हुए पांचों निर्देश कर्मों से एक को भी करेगा उसका सारा धन और अन्न छीन लिया जाएगा। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा राधे राधे। महाराज परीक्षित द्वारा दी गई इस घोषणा के परिणाम स्वरूप सबका मन धर्म कर्मों में लग गया। इस प्रकार राजा परीक्षित धर्म की वृद्धि करते हुए हस्तिनापुर का राज्य करने लगे। वे हमेशा आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र जी की लीलाओं को सुनते और उन्हीं के चरणों में अपना मन लगाए रहते। उनके राज्य में समस्त प्रजाजन भी अपने धर्म पर दृढ़ रहकर आनंद का उपयोग करते रहते। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा राधे राधे। हर हर महादेव की जय। हर महादेव। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधे 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 राधे।